हेलो विद्यार्थी, आप कैसे हैं? हम चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें और अच्छा पढ़ें। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी इंटर के विद्यार्थियों को कि आप काफ़ी समय निकल चुका है, आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करें और एनसीईआरटी की बुक जो सोशियोलॉजी की चल रही है वो ले लें। आज मैं पहला चैप्टर आपको समझाने जा रही हूँ, भारतीय समाज एक परिचय। कि भारतीय समाज का एक इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से है। इससे पहले आप समाज और समाजशास्त्र के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। समाज कैसे बनता है? समाज दो या दो से अधिक व्यक्ति या परिवार के द्वारा बनता है। वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एक ही जाति के हो, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय के होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो एक समाज बन जाता है। अब समाज बनकर तैयार हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसमें जिस चीज़ का ज्ञान संचित किया जाता है, जिस चीज़ के बारे में पूरे समाज के बारे में विवरण दिया जाता है, वो है आपका समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र में क्या होता है कि उन लोगों के संबंधों का विवरण दिया जाता है कि समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं और उनके आपसी संबंध कैसे होते हैं, चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे लड़ाई का संबंध हो या व्यवसाय का संबंध हो। जैसे कि फौज में भर्ती हो जाते हैं, वह भी व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके और दूसरे पक्ष के एक संबंध होते हैं। जहाँ तक संबंध ठीक होते हैं, लड़ाई नहीं होती है। इसी प्रकार व्यवसायी संबंध होते हैं। तो ये क्या होता है कि सभी लोगों के संबंधों को कौन दर्शाता है? समाजशास्त्र में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि समाज का निर्माण कैसे बनता है। समाज का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा बनता है और व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं उनसे समाजशास्त्र का निर्माण हुआ है। समाजशास्त्र में उनके बारे में सारी डिटेल दे रखी हुई है। अब समाजशास्त्र का उदय, अच्छा जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो ये बहुत समय पहले से ही आपके फिफ्थ फोर्थ सिक्स में भी चैप्टर दे रखे हैं। लेकिन यहाँ टेंथ पास आउट होने के बाद अलग अलग विषय हो जाते हैं, जो कि आपके आते तो उसी में से, लेकिन ये अलग सब्जेक्ट बन जाता है आपका समाजशास्त्र। उसमें समाज के ही बारे में सारा दे रखा होता है। और ऐसा भी नहीं है, अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी इसमें बहुत योगदान है, क्योंकि जो भी शास्त्र है उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से है? वो समाज से हुई है। तो जाहिर सी बात है कि समाजशास्त्र का सबसे संबंध है और सबका समाजशास्त्र से संबंध है। ठीक है, अब समाजशास्त्र का यूरोप, समाजशास्त्र का स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? यूरोप से। ठीक है, सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉन्ट ने 1939 में किया था। उन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। प्रारंभ में इसे समाजशास्त्र नहीं दिया था, सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। इसी कारण समाजशास्त्र के जो जनक है अगस्त कॉन ही कहलाए जाते हैं। अब है ये तो आपको पता चल गया कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और समाज और समाजशास्त्र में क्या अंतर है, समाज की उत्पत्ति कैसे होती है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे होती है। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो ज्ञान, मान्यता है कि ज्ञान बढ़ाने में प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार के लिए जाहिर सी बात है, और परिवार में किस तरीके की एक्टिविटीज होती है वो बच्चा अपने आप स्वतः ही सीखता रहता है। या स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं बच्चे, स्टार्टिंग का बेसिक सीखते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में भी सीखते हैं। पर समाज शास्त्र में व्यक्तियों का ज्ञान बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही बढ़ जाता है, ऐसा बोल रखा है और सही बात है। जो औपचारिक शिक्षाएँ हो गई सारी आपकी, और अनौपचारिक शिक्षा होती है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसकी सारी प्रक्रियाएँ हमें स्वतः ही आ जाती हैं, उसे सिखाई नहीं जाती है। तो समाजशास्त्र कहता है कि जो समाज में हम रहते हैं ना, तो उसका ज्ञान हमें बिना पढ़े ही आ जाता है। ये औपचारिकता ख़त्म हो जाती है, यानी आप किसी भी विद्यालय के माध्यम से या एजुकेशन किसी तरीके से नहीं, बल्कि समाज के माध्यम से अपना ज्ञान
प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा है कि देखिए क्या कारण है कि इसका कारण है, हम जिस समाज में रहते हैं, समाज में ही पल रहते हैं, बड़े होते हैं, पलते हैं, तो उनकी बोल चाल, खान पान, संस्कृति हमें स्वतः ही आने लगती है। और जब बात भारतीय समाज की आती है तो हम देखते हैं कि अब समाजशास्त्र और समाज के बारे में आप परिचित हो गए होंगे। अब मैं उपनिवेशिक काल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर ही इसलिए हुआ है कि आप पूरा इसका परिचय कर लें कि इसमें किस चीज़ के बारे में दिए रखा है, समाज और समाजशास्त्र के बारे में। आगे अब आया है, जब बात भारतीय समाज की आती है तो हम देखते हैं कि उपनिवेशिक काल में एक खास प्रकार की भावना पैदा हुई। अब आप समझेंगे उपनिवेशिक काल कौन सा था, तो मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारा देश भारत गुलाम था इसका ब्रिटिश सरकार का, तो उन्होंने उपनिवेशिक काल होता है किसी शक्तिशाली देश का किसी कमजोर देश पर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर पूरा हक अपना उसमें हस्तक्षेप कर लेना, वही उपनिवेश काल होता है। और अंग्रेजों द्वारा भारत पर 200 वर्ष उपनिवेश काल चला था, तो वही उपनिवेश तो क्या है कि उसमें भी एक खास प्रकार की भावना हम लोगों के अंदर जागृत हुई, क्या कि पक्षपात की। उपनिवेश काल में हमारे भारतवासी जो थे बंधक बनाए जाते थे और गरीबी के स्तर पर रहते थे, तो उनमें एक हम की भावना पैदा हुई, ठीक है ना। अंग्रेजों के शासन ने ना पूरे केवल पूरे देश को एकजुट किया, बल्कि पूंजीवाद आधुनिकीकरण जैसी शक्तिशाली प्रक्रिया से भारत को अवगत कराया। क्या हुआ कि अंग्रेजों के शासन, मैंने बताया था कैसा शासन था उनका, बहुत ही शक्तिशाली शासन था, और वह अधिकारी वर्ग खुद स्वयं हुआ करते थे, कर्मचारी वर्ग हमारे भारतीयों को रखते थे, तो जाहिर सी बात है कि उनसे डर के रहना पड़ता था। तो उनके और फिर पूंजीवाद और आधुनिकीकरण, मतलब अधिक से अधिक यहाँ आर्थिक स्थिति डेवलपमेंट की उन्होंने, ठीक है ना, और आधुनिकीकरण, नई नई ऐसी योजनाएं चलाई, नई नई मशीनीकरण हुआ, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो देश था उनके पास रहकर, उनके समक्ष रहकर उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया, जैसे शक्तिशाली प्रक्रिया से भारत को अवगत कराया। मतलब कई परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं कि जिनको हम झेल कर बहुत कुछ आगे के मार्ग को हम खोज सकते हैं, ठीक है ना, वही ये हुआ था। ये बात सच है कि उपनिवेशवाद से ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। आप हमेशा देखते होंगे कि किसी भी घर में कलह हो जाती है तो पड़ोसी मजाक उठाते हैं, ठीक है, और फिर आगे को वो सतर्क हो जाते हैं कि हम इस तरीके के अपने घर में कलह ना करें, क्योंकि पड़ोसी आनंद लेते हैं। इसी तरीके से भारत का हुआ कि उपनिवेशवाद तो हुआ उनका, लेकिन उनकी इतनी कट्टरता से हमारे देश में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना हो गई। आप कहेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है ना, तो हम आपको बताएं कि अंग्रेजी शासन से पहले हमारे देश में 567 करीब राजाओं के राज्य थे। तो जब राजाओं के राज्य थे तो वो अलग अलग थे, ऐसा नहीं था कि एक प्रदेश उनका एक प्रदेश, ऐसा नहीं था, ना कोई राज्य था ना कोई सरकार थी, उनका अपना ही शासन हुआ करता था, एक राजा दूसरे पर चढ़ाई कर दिया करता था, ऐसा था। लेकिन जब उपनिवेशवाद हुआ तो पूरी जनता हमारी एक राष्ट्र, एक पूरे भारत को अपना राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हो गई, एकजुट हो गई, सब, कोई राजा नहीं रहा, कोई कुछ भी नहीं रहा, सब चाहे कोई जाति का हो, किसी भी चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे विद्यार्थी हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, लेकिन सब एक साथ अपने देश को अच्छा बनाने के लिए और उन्हें अपने देश से भगाने के लिए, उनके चुंगल से छूटने के लिए एक राष्ट्रवाद की भावना उनमें उत्पन्न हो गई। राष्ट्रवाद की उत्पन्न हुई उपनिवेशवाद के गलत प्रभावों ने हमारे समुदाय के अलग अलग भागों को एकजुट करने में सहायता पहुंचाई। मैंने बताया ना उपनिवेश
बात के गलत प्रभाव, उनके प्रभाव जो थे वास्तविकता में गलत थे, आपने इतिहास पढ़ा है ना। तो उसने क्या करा कि जो अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे हमारे भारत में, उन्हें एकजुट कराने में क्या करा कि सहायता पहुंचाई। मतलब अपने मन में धारणाएं हो जाती हैं कि अंग्रेज जो इतना, ब्रिटिश सरकार हमारे अंदर इतने गलत वो भारत का शोषण कर रहे हैं, तो उनमें अंदर भावनाएं उत्पन्न हो गई कि इन्हें किसी तरीके से हम सब एक हो जाएं। और हुआ भी था, आपने देखा है इतने कितने समुदाय के लोग एक हो गए। गांधी जी ने दांडी यात्रा की और चुपके चुपके कई ऐसी सभाएं हुआ करती थी और कहते थे कि मतलब किस तरीके से हम अपने भारत को आजाद कराएं, और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ठीक है ना। जिस कारण भारत में बहुत से समुदाय और वर्ग उत्पन्न हुए जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो मैंने आपको बताया कि जितने समुदाय थे, वर्ग थे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, ठीक है ना, और सब एकजुट होकर अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाने में सहयोग प्रदान किया। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, एक समाजशास्त्र पर्च, समाज का पर्च हो गया, भारतीय समाज किस तरीके का था, उपनिवेश काल कितने समय तक रहा यहाँ, कब आया था और इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो इसमें सब दे रखा है, आप एक बार रिवीजन स्वतः करें। अगर कोई परेशानी है तो कॉल करके मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट चैप्टर मैं कल आपको